الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقما أهل الدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات توحید کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو یوں جڑے گی کہ اللہ نے قرآن مجید میں وجود الہی پر بحث نہیں کی ہے، اس لیے کہ وجود انسانی خود مستلزم ہے اس بات وجود الہی کے لیے. پوچھنے والے کو حضرت نے جواب دیا، کیا تم ہو؟ اس نے کہا جی میں ہوں. حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے ہو؟ اگر بعد میں ہوئے ہو تو کون ہے جو تمہیں وجود میں لایا ہے، اور بالآخر تم ایک ایسے وجود پر جا کے ٹھہرو گے جسے کسی نے وجود نہیں بخشا بلکہ اس کا وجود خود اس سے ہے. اور اس طرح سے پھر وجود کی تین قسمیں فلاسفہ نے بیان کیں، واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود. اگرچہ قسمیں ظاہراً دو ہی ہیں، ایک واجب الوجود کی قسم یعنی واجب الوجود کا عنوان اور ایک ممکن الوجود. ممتنع الوجود کا ذکر پر بنا تقسیم ہو گیا، ایک ایسا وجود کہ جو تصوراتی ہو، خارج میں اس کا کوئی ظہور نہ ہو، جسے سوچ لیا جائے بس، حقیقت میں، ظاہر میں، خارج میں، مصداق میں اس کا کوئی وجود نہ ہو تو اسے ممتنع الوجود کہا جاتا ہے. جیسے اجتماع نقیزین
दिन और रात एक हो जाएं। सोच लीजिए, सलवात पढ़ ले मोहम्मद। जैसे हजार सरों वाला कोई अजदहा, सोच लीजिए, सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन खारिज में इसका कोई वजूद नहीं है। तो कैसा वजूद के जिसका वजूद मुमतने हो, यानी दो जिदें आपस में जमा हो जाएं, दो मुतजाद चीजें आपस में जमा हो जाएं, दो मुतगायर चीजें आपस में जमा हो जाएं, हस्ती और नीस्ती एक साथ जमा हो जाएं, तो इसे कहते हैं मुमतनेउल वजूद फलसफे में। मगर दो दूसरी जो किस्में, पहली दो किस्में जो हैं, एक वाजिबुल वजूद की और एक मुमकिनुल वजूद की, ये किस्में वजूद की हैं। मेरे कम सन साथियों के लिए सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि फलसफा दो हिस्सों में तकसीम होकर गुफ्तगू करता है। फलसफा बेमानाए आम मुतलक़ वजूद पर बात करता है, हर वजूद पर जिसका मौजू वजूद है। फलसफे का मौजू वजूद है, तो जब मुतलक वजूद पर बात करेगा तो वो फलसफा बेमाना आम होगा, यानी उमूमी मौजू उसका, आम मौजू उसका, असली मौजू उसका वजूद है। लेकिन जब फलसफा बेमाना अखस बात की जाएगी, तो अब ये जो दूसरी किस्म हमने बनाई है फलसफा बेमाना अखस, ये मुसलमान फलसफियों ने तय की है। गैर मुस्लिम फलसफी सिर्फ वजूद पर बात करते हैं, और मुसलमान फलसफी उसमें एक कदम आगे आकर कहते हैं कि फलसफा बेमाना अखस, वजूद पर तो तुम बात कर रहे हो मगर इल्लतुल इलल और वाजिबुल वजूद पर बात नहीं कर रहे हो। जब तुम हर वजूद पर बात कर रहे हो तो फिर उस वजूद पर भी बात करो कि जिसने वजूदों को वजूद बख्शा है। तो फिर ये सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले वाले। फिर हम यहां से तकसीम करते हैं बहस को वाजिबुल वजूद की। वाजिबुल वजूद जो अल्लाह की जात, यानी इस मिंबर की का पैगाम ये, इस्लामी फलसफे का पैगाम ये, आइम्मा अहले बैत का पैगाम ये, कुरानी तसव्वुर वजूद का पैगाम ये, दिक्कत चाहूंगा। वाजिबुल वजूद हम कैसे, वाजिब वजूद एक ही है, यानी जिसका होना लाजमी है। मुमकिन वजूद जिसका होना और ना होना बराबर हो, यानी मैं और आप और अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो उसका होना और ना होना बराबर है या नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता कायनात पर। आप और मैं नहीं थे तब भी कायनात थी, हम नहीं होंगे तब भी दुनिया रहेगी, हमारे होने से नहीं बनी है, हमारे जाने से मिटेगी नहीं। अब कोई एक वजूद जरूर मानना पड़ेगा दरमियान में जो वाजिबुल वजूद का अक्कास हो और मुझे मुमकिनुल वजूद के लिए रहनुमा हो, जिसके लिए ये फरमान सामने आ जाए कि लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्ज अला अलैहा, अगर हुज्जत खुदा ना हो तो जमीन अपने अहल को खा जाए। उसकी सिनखियत हमारे साथ जुड़ी हुई है और उसकी निस्बत अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। निस्बतन हसास बात कर गया और रिकॉर्ड बन रहा है, और बाद में ना तमाम बात सुनने वाले, और जिन्होंने पिछली मजलिस से नहीं सुनी और जो आगे वाली नहीं सुनेंगे और वो सिर्फ एक जुमला ये ले लेंगे, वो मुझे मुश्किल में डाल सकते हैं कि ये कुछ कह गए। लेकिन अजीजा ने ग्रामी बात ऐसी ही है, ये हस्तियां जो हैं, तवज्जो चाहूंगा, बात की है तो कदरे संभालने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो संभला हुआ हूं, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जिन्हें गलत फहमी हो सकती है, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। बात कुछ ऐसी ही है कि जिन हस्तियों को हम अपना पेशवा, रहनुमा, आइम्मा, अहले बैत कहते हैं, वो ना मुतलकन बशरियत के जुमला महसूस कीजिएगा, ना वो मुतलक बशरियत की जुबू हाली का शिकार है और ना ही वो उलूहवियत का उन्वान रखते हैं, बल्कि उलूहवियत की नुमाइंदगी है और बशरियत का कमाल है।
ना रूए जमीन पर इन जैसा कोई बशर है और ना अल्लाह जैसे इनका इनका कोई वजूद है। ये वहां से असर लेते हैं और यहां असर दिखाते हैं। मैं और सादा जमान में इन बच्चों के लिए अर्ज कर दूं कि वसीला कहते ही उसे है जो दो तरफों से जुड़ा हुआ हो, जिसका यहां से भी ताल्लुक हो और वहां से भी ताल्लुक। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले, इससे भी बेहतर सलवात नबी की ज़ात है। तो जब मौला के फरमान के मुताबिक, मौला की शर है अकीदे तौहीद के मुताबिक, हमने अल्लाह के लिए ये तारीफ समझी कि अल्लाह बिला हद वला जिद वला नित, अल्लाह की कोई हद नहीं है, अल्लाह कहते ही उसे जिसकी कोई हद ना हो। जब अल्लाह की हद नहीं है तो फिर कोई और भी नहीं है। हद है जो किसी और चीज को बनाती है, दिक्कत चाहूंगा, किसी चीज की हद किसी और चीज की गुंजाइश बनाती है। यहां हद मुकम्मल हुई, वहां किसी और की हद शुरू हुई। जब अल्लाह ला महदूद है, अल्लाह की हद ही नहीं है, तो फिर किसी और वजूद का तसव्वुर ही नहीं है। तो बस एक वजूद ऐसा है कि जो वाजिब है, जिसका होना लाजिम है, जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो खुद से है। जब वजूद ही, दिक्कत चाहूंगा मौला हुसैन के जुमले को खिदमत में उसकी जाना चाहता हूं, उसको समझना चाहता हूं। जब अल्लाह की हद ही नहीं है, अल्लाह महदूद है, ला महदूद है अल्लाह, और जब ला महदूद है तो उसकी हद नहीं है, तो फिर कोई और वजूद शुरू नहीं हो रहा। तो जब वो वजूद ही जाती है, वो वजूद ही असालती है, वो वजूद ही वाजिब है, तो अब इमाम हुसैन की मारिफत का मकाम देखिए। फरमाते हैं, या अल्लाह मैं तेरे आसार से तुझे नहीं पहचानता, मैं तुझसे तुझे पहचानता। ये मयारे मारिफत अहले बैत के अलावा कहीं और नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो फरमाया ना मासूम ने, नबी मुकर्रम का भी फरमान है, मौलाए कायनात का, इमाम अहले बैत का, अंबिया किराम का, नहनो नुकल्लिमु नास बिकद्र उकूलिहिम, हम अंबिया, हम, मैं मुस्तफ़ा, हम अहले बैत, ये जुमला नकल हुआ है मुख्तलिफ मासूमीन से। नहनो नुकल्लिमु नास अला कद्र उकूलिहिम, हम लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। क्या हसीन फरमान है, हम अपनी अकल के मुताबिक बात नहीं करते। अगर अहले बैत ने हमसे अपनी अकल के मुताबिक बात की होती तो हमें समझ में नहीं आती बात। वो हमसे हमारी अकल के मुताबिक बोलते हैं ताकि हम बात को समझ लें। अब अगर ये जानना हो कि वो हमसे जब बोलते हैं तो हमारी अकल के मुताबिक बात करते हैं, जब अल्लाह से बोलते हैं तो किसकी अकल के मुताबिक बात। लिहाजा अगर मयारे अकल अहले बैत को देखना है तो मुनाजात और दुआओं को पढ़ा जाए। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। उन मुनाजा उन दुआओं में अदिया में मालूम होता है। और फिर वो दस दस, एक सहीफ़े सज्जादिया के अंदर 57 दुआएं, 30 जिल्दों में शरह लिखी गई है। लिखने वाला कहता है मैंने हक अदा नहीं किया। दुआए अरफा की 5-5 जल्दों में शरह, एक एक जुमले के ऊपर 50-50 सफ़े कि मौला हुसैन ने ये क्या फरमा दिया। फिर भी लिखने वाला मुतमईन नहीं है कि मैंने इस जुमले की गहराई तक खुद को भी पहुंचाया हो, चिबे रसी है कि मैं अपने कारे को पहुंचा दूं, अपने कारी को पहुंचा दूं, अपनी किताब पढ़ने वाले को पहुंचा दूं। तो वजूद परवरदिगार पर अल्लाह बात नहीं कर रहा। अफिल्ला है शक्कुन, क्या अल्लाह के होने पर शक है। फातिर समावात वल अर्ज, ये सब कुछ बना हुआ देख रहे हो फिर भी शक कर रहे हो, ये कुरान बात कर रहा है। या कभी बात हुई तो ये हुई कि जहेदू बेहा, ये इनकार तो करते हैं मगर इस्तैकनत हा अनफुसुहुम, दिल इनके कहते हैं कि हां है।
कुरान कुरान के अल्फाज, ये इनकार तो करते हैं मगर इनके अंदर से आवाज आती है कि हाँ है। अल्लाह ने अगर बात की तो इस लबो लहजे में बात की है कुरान मजीद में, वजूद परवरदिगार पर बात नहीं की। अब इस सूरह मुबारक तौहीद में जिस पर आज छठी मजलिस में भी हम गौर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुल ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए। अब ये कुल सूरह शुरू हुआ कुरान मजीद में, जो कुल से शुरू होने वाले सूरे हैं वो पांच हैं और जो कुल आयात हैं वो तकरीबन कोई 19 या 20 आयात हैं। लेकिन इस आयत का, इस सूरह के अंदर, अच्छा पहले तो ये जरा शान नुज़ूल की तरफ तवज्जो कर लीजिए। यहूदियों ने आकर सरकार से कहा अनसिब लना रब्बका, बाज़ रिवायात में कहा सिफ लना रब्बका, हमें अपने रब का जरा नसब तो बताइए। सरकार ने जब ऐलान नबूवत किया कुलु ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, कोहे अबू कुबैस में खड़े होकर किया कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, ऐलान करो, बोलो कि ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। तो उन्होंने जितना अकीदा तौहीद, जितना अच्छा अकीदा तौहीद हमारी किताबों में है इतना अच्छा हमारे बयान में नहीं है, और वहां बरक्स है। तो वो जो हमारे बारे में अकीदा तो बयान होना चाहिए ना, हमारे हमारी मजालिस का उनवान अकीदा तौहीद होना चाहिए ना जी। ऐसे ऐसे खिताबात डले हुए हैं आज यूट्यूब पर और सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसी ऐसी तकरीरें डली हुई हैं कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह की तौहीद के बारे में मुसलमान रहनुमाओं की, हम तो उस दौड़ में ही नहीं है। नंबर वन आना तो दूर की बात है, आप जरा सर्च कीजिएगा आज मेरी इस बात के कहने के बाद किसी यूट्यूब के ऊपर, इसी सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े उर्दू बोलने वाले, चले अरबी और फारसी की तकरीरों को आप छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऐसे बड़े बड़े नाम इस बर सगीर के अंदर हैं हमारे भाइयों के, जिनकी 10-10 तकरीरें अकीदा तौहीद पर डली हुई हैं और ऐसी गहरी गहरी बातें हैं, ऐसी इल्मी गुफ्तगू है, हम तो उस दौड़ में शामिल नहीं है। पहले नंबर पे आना तो दूर की बात है, ये गिला मेरा मेरे अपने आप से है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, और मैं खतीब डरा डरा रहता हूं आप लोगों से, भाई माफ कीजिएगा आपके जरिए किसी को कह रहा हूं कि अगर मैंने अकीदा तौहीद यहां बयान किया तो मजमा कल मेरा कम हो जाएगा। तो जब मैं मजलिस ही मजमे के लिए पढ़ रहा हूं तो मेरी जिंदगी में बरकत कहां से आएगी जी। लोग कहेंगे साहब ये मौलाना क्या लेके बैठ गए, हमें तो सिर्फ एक ही बात सुनाइए। ये अलमिया है, ये कोताही है, ये खयानत है, ये कुर्बानी है अहले बैत के साथ, ज्यादती है। मैं नहीं कह रहा कि उन मजामीन को हमें बयान नहीं करना चाहिए, हम वही तो बयान कर रहे हैं, लेकिन इतना अवाम जदा हो जाना, इतना कौम परस्त हो जाना, इस माना में लीजिए कौम परस्त कि मेरी कौम मुझसे ये चाहती है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरा हुसैन मुझसे क्या चाहता है। भाई आप चार अशरे पढ़ रहे हैं, एक अशरा तो अल्लाह के नाम पर पढ़ लीजिए, सलवात पढ़िए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद, फिर कहां बयान होगा, कब बयान होगा। खफा हो रहे हैं आप मुझसे, कहां बयान होगा, क्यों बयान होगा, कौन बयान करेगा। दौड़ में तो आइए, इल्मी दौड़ में तो आइए। इराकियों को देखिए, ईरानियों को देखिए, लुबनानियों को देखिए, उनके उलमा को, इन बबाहिस के अंदर उन्होंने तीर मारे हुए हैं, इन मौजूआत में उन्होंने कारनामे किए हुए हैं। हमारे यहां जरा ढूंढिए लाइए, चार पांच उंगलियां ज्यादा हैं, पांच मिसालें नहीं मिलेंगी आपको यूट्यूब पर बर्रे सगीर के शिया उलमा की। अब मुमकिन है कोई कहे कि लो भाई इन्होंने अपने ऐप भी बता दिए, नहीं, जिन्होंने ऐप ढूंढने हैं वो आपसे ज्यादा ढूंढे बैठे हैं पहले ही जी। हाँ खफा नहीं हो, सुन लीजिए मेरी बात, जब आपको माइक मिले तो बोल लीजिएगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले, इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की।
मेरे हबीब कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह को माना जाएगा। हमारा कौन सा काम है जो अल्लाह के बगैर है? क़िबला मानते हैं तो काबतुल्लाह, किताब मानते हैं तो किताबुल्लाह, रसूल मानते हैं तो रसूलुल्लाह, अली मानते हैं तो वलीउल्लाह। सारे हमारे कामों का महवर अल्लाह है, हर अकीदे का महवर हमारा अल्लाह है। हम तौहीद परवरदिगार के बाद अदल इलाही को उसूल दीन में मानते हैं। हम अल्लाह भी मानते हैं तो आदिल मानते हैं, जालिम नहीं मानते। देखिए क्या शान है अकीदे तौहीद की, यानी हमारी जिंदगियों में अकीदे तौहीद का एक मोटा असर यह है कि हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसके यहां शर और खैर नहीं है, खैर ही खैर है। ये नहीं होगा कि शर भी मिनल्लाह और खैर भी मिनल्लाह, नहीं। ये मयार बढ़ता जा रहा है, एक मरतबा मयार फहम अकीदा तौहीद बुलंद होता जा रहा है। और फिर अदल इलाही, यानी हम अल्लाह को आदिल मानते हैं। अदल का तकाजा क्या है? अदल का तकाजा यह है कि वज उस शय अला महल्लही, हर चीज को उसकी जगह पर रख देना अदल है जी। टोपी अमामा सर पे रखने की चीज है, इसे सर पे रखेंगे तो अदल है, और अगर इसे पैरों में डाल देंगे तो ये जुल्म है। जूतियों की जगह पैरों में है, अगर इसे सर पे रख लेंगे तो ये जुल्म है। तो अगर अमामा और जूती की मिसाल मैं दूं तो बात समझ में आए, और मेंबर पे चाहो जिसे बिठा दो तो क्या यह बेअदालती नहीं होगी? तो जहां अदल इलाही की बहस आती है वहां पूरे निजाम में, पूरे माशरे में, पूरे समाज में अदल का तसव्वुर फैलता चला जाता है। फिर आगे बढ़ती है बात नबुवत की, फिर इमामत की, और इमामत मुतिम में नबुवत है, मुकम्मिल नबुवत है, यानी बात को महसूस किया जाए। नबुवत कयामत तक रहनी है, इस नबू कारे नबूवत के तसलसुल को इमामत कहा जाता है। हाँ, उलझन एक यहां यह आती है कि फिर हम क्या नबी होने के कायल हैं? हम खातमुल अंबिया होने के कायल नहीं रहे नबी के? नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं है, मगर नबी ने जिसे अपना वली बनाया है वो काम वही करेगा जो असल कर रहा होता है। और फिर बात आएगी तो कयामत की आएगी। तो ये सारे अकायद जिसकी असास और बुनियाद, अगर मैं यूं कह दूं कि अकीदा तो सिर्फ एक ही है, पांच उसूल दीन है, नहीं असल उसूल दीन एक ही है बस, तौहीद। तौहीद ना मानिए और फिर अदल मान लीजिए, क्या फायदा? तौहीद ना मानिए फिर नबूवत मान लीजिए, क्या मतलब? तौहीद ना मानिए इमामत मान लीजिए, क्या मतलब? फिर ऐसा ही होगा जैसे हिंदू अली को मानते हैं, ईसाई अली को मानते हैं, फिर क्या फर्क है उन गैर मुस्लिमों में और आप में? जो अली को अली के मुताबिक माने उसे मुसलमान कहा जाता है, और जो अली को अपने दिमाग के मुताबिक माने वो गैर मुस्लिम अली का परस्तार है। बहुत लोग मानते हैं, शायद बाज़ औक़ात मानने में हमसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो असल उसूल और बुनियाद अकायद सिर्फ एक अकीदा है, वह है अकीदा तौहीद। उसी से फिर दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा। और एक जाविये से इल्मी बात कर रहा हूं, बात जो है वही महसूस की जाएगी। एक जाविये से असल उसूल एक तौहीद, फिर एक तौहीद से पांच उसूल दीन, और फिर पांच उसूल दीन से 200 से ज्यादा असल उसूल हैं जो इन पांचों से जुड़े हुए हैं, जिनका इनकार मूजिब कुफर है। मसलन अकीदा तौहीद सिर्फ ये तो नहीं कि मैं अल्लाह को वहदहु ला शरीक मान लूं और बस, नहीं, उसके जिस्म का मुझे इनकार करना होगा, उसके समद होने का मुझे इकरार करना होगा, वो नजर नहीं आता मुझे इसको मानना पड़ेगा, वो हर जगह मौजूद ही मुझे मानना पड़ेगा। एक अकीदा तौहीद के साथ कोई 25 अकीदे जुड़े हुए हैं जिनमें से किसी एक का इनकार भी मूजिब कुफर है। और आगे आइए अदल इलाही, नबुवत, हमें नबुवत सिर्फ नबुवत माननी नहीं है, खातमियत को भी मानना है, इस्मत को भी मानना है, मौजज़े को भी मानना है, उन पे आने वाले कुरान को भी मानना है, उनके बताए हुए फरामीन के मुताबिक फरिश्तों को भी मानना है, कब्र को भी मानना है, बरज़ख को भी मानना है। अब माना था हमने एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें 50 बातें मानना पड़ गई,
तो अब अगर इन बातों से जो बातें जुड़ी हुई हैं वो भी उसूल हैं, और फिर वो एक दो नहीं है, वो कोई 200 से ज्यादा तादाद बन रही है जो उलमाए किराम ने, जिनका इनकार मुझे भी कुफ्र है, जिसका इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रहता। तो असल उसूल तौहीद। नबी मुकर्रम से कहलवाया, तुम कह दो हो अल्लाह अहद। देखिए हर नबी ने अल्लाह पहुंचाया, मैं ये इल्लत बयान करने जा रहा हूं कि अल्लाह ने नबी से क्यों कहलवाया, खुद क्यों नहीं कह दिया कि वो अल्लाह अहद है। हर नबी ने अल्लाह पहुंचाया, मगर उस नबी की जिंदगी में ही उसका पहुंचाया हुआ अल्लाह नहीं माना गया, और इतना अपनी पसंद का अल्लाह बनाने का मिजाज बना कि हत्ता उस नबी को भी अल्लाह का बेटा बोल दिया। इतना अकीदा तौहीद में बिगाड़ आया, अंबियाए किराम के बताए हुए अकीदा तौहीद को ही तस्लीम नहीं किया गया। उनकी जिंदगी में उनके जाने के बाद वो अकीदा बिगड़ गया। आप जरा महसूस कीजिएगा, ये जो नबी अपनी नबूवत के बराबर अली की विलायत का इंतजाम कर रहे हैं, मैंने सोच के बोला ये जुमला, नबी अपनी नबूवत के बराबर जो अली की विलायत का इंतजाम और एहतमाम कर रहे हैं, अभी अपनी नबूवत का ऐलान दावत जुलशीरा में नहीं किया है, अभी पता ही नहीं है क्या करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कौन है जो मेरी इस मुश्किल काम में मेरी मदद करेगा। भाई वो मुश्किल काम क्या है? और जैसे ही मौला ने खड़े होकर, मौला भी नहीं पूछ रहे वो काम क्या है, ना पूछ रहा, बताता है कि जानते हैं कि मुस्लिम का मुश्किल काम क्या है, कहा मैं आपकी मदद करूंगा। फिर फरमाया कौन है जो मेरे इस मुश्किल अमर में मेरा साथ देगा, अली को बिठा के कहा। फिर मौला अली खड़े हो गए कि मैं आपका साथ दूंगा। यानी ऐलान नबूवत नबी मुकर्रम के साथ साथ विलायत अली का ऐलान होने जा रहा है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाल मोहम्मद। क्यों क्यों क्यों? शुक्रगुजार हूं आपकी तवज्जो का। क्यों क्यों नबी ने अपनी नबूवत के साथ साथ मौला अली की विलायत का ऐलान किया और इंतजाम और इकरार करवाया? जब तीसरी मरतबा भी मौला खड़े हो गए तो फिर फरमाया कि जान लो तुम मेरे खानदान के लोग हो। सारे अशीरे के लोग बैठे थे, खानदान के लोग बैठे थे, कबीले के लोग बैठे थे, अशीरा कबीला एक ही मतलब एक ही मानी है। तो हजरत फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, नबूवत का ऐलान करने जा रहा हूं, आप लोग मेरा साथ दें। तो मौला अली ने कहा कि मैं पहले ही कह दिया कि मैं आपका साथ दूंगा, और फिर सरकार ने यह भी फरमा दिया जो मेरा साथ देगा मेरा खलीफा होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा। भाई तुम्हें इनामात तो पहले ही बताए जा रहे हैं, जरा हिम्मत करो, ले लो ये सारी चीजें, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। बल्कि मामला तो यह है कि वहां बैठा हुआ एक रिश्तेदार वो हजरत अबू तालिब से कहने लगा, तुम्हें मुबारक हो, अब तुम अपने बेटे के मुती और फरमा बरदार बन के रहोगे, क्योंकि मौला अली को मौला करार दे दिया पहले ही मरहले पर। गदीर में ऐलान विलायत अली ही नहीं हुआ है, बल्कि दावत जुलशीरा में ऐलान विलायत अली हुआ है। ये तो, और मुझे एक और जुमला भी कहने दीजिए, नबी ने 23 बरस दो ही काम किए, या अल्लाह पहुंचाया है या अली की विलायत पहुंचाई है। क्यों? सलवात पढ़े, क्यों क्यों सलवात पढ़े मोहम्मद। क्या सबब था कि अल्लाह के अकीदे वहदानियत के साथ साथ अली की विलायत को पहुंचाया जा रहा है? वो अकीदा तौहीद पिछली अंबियाए किराम के पैगाम की तरह मस्ख हो जाएगा अगर इसके साथ अली की विलायत नहीं होगी। मैं तो लुत्फ लिए बगैर आगे नहीं जाऊंगा। माजी में अंबियाए किराम ने जो अकीदा तौहीद पहुंचाया वो मस्ख हो गया, वो तसलीस का शिकार हो गया, वो सनवियत का शिकार हो गया, वो सनमियत का शिकार हो गया जी।
यहां अकीदा तौहीद को ना अल्लाह नहीं चाहता था कि वो उन आफात का शिकार हो जाए, उन वबाओं का शिकार हो जाए जो माजी में अंबिया किराम ने अकीदा तौहीद पहुंचाया और वो वबाओं का शिकार हो गया। इसलिए फौरन अली की विलायत को अकीदा तौहीद के साथ रखा। अकीदा तौहीद के साथ साथ अली की विलायत को मानो ताकि ये विलायत उसका तहफ्फुज़ कर सके, ये उसे बिगड़ने ना दे। अब आपको वो हदीस मेराज पर ले जाएगी समाअत के बाब में कि मेरे मौला रजा जब गुजर रहे हैं खुरासान के लिए नेशापुर से, तो हजारों लोग हैं जो कलम और कागज लिए मौला का एक जुमला लिखना चाहते हैं। बाज ने 25,000 कलमदान और कलम और कागज लिए हुए साहबियों के और असहाब के और रावियों के नाम लिखे हैं। 25,000 की तादाद थी जो मौला के इस्तकबाल के लिए खड़ी है और हर एक के हाथ में कागज और कलम है, इतने पढ़े लिखे लोग, और वो जानते हैं कि किसका जुमला महफूज करना है और किसके जुमले की कोई हैसियत ही नहीं है। लिहाजा लिखने के लिए तैयार है, एक जुमला मिन और फे का फर्क ना आने पाए। तो हजरत से आवाज देकर कहने लगे, ए फरजंदे रसूल कुछ अता कीजिए। तो इमाम ने फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, सुनो मैंने अपने जद और उन्होंने अपने जद से और उन्होंने अपने जद से और उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना, हमारे आबाओ अजदाद ने। लिहाजा इस हदीस को हदीस सिलसिलतु ज़हब कहा जाता है। सिलसिलतु ज़हब, सिलसिला कहते हैं अरबी में जंजीर को, वो जो कड़ियां जुड़ी हुई होती ना जंजीर की, उसे अरबी में कहते हैं सिलसिला। सिलसिलतु ज़हब, सोने की जंजीर। हर वो हदीस जिसमें सारे रावी मासूमीन हो उसे सिलसिलतु ज़हब कहा जाता है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये हदीस भी सिलसिलतु ज़हब हदीस, मैंने अपने जद से सुना, मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने जद से सुना, यहां तक कि उन्होंने रसूलुल्लाह से सुना और रसूलुल्लाह ने जिब्रील से सुना और जिब्रील ने अल्लाह से कहा, अल्लाह से सुनकर कहा। और क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, अल्लाह कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी, और जो मेरे इस किले के अंदर दाखिल हो गया, अमिना मिन अज़ाबी, वो मेरे आजाब से महफूज हो गया। ये कहकर मौला ने महमिल का पर्दा गिरा दिया। हजरत का नाता कुछ आगे बढ़ा, वो सारा मजमा साथ साथ चल रहा है, तब तवज्जो है बरात की, वो सारा मजमा मेरे मौला के नाते के साथ साथ चल रहा है। अभी चंद कदम नाका बढ़ा, फिर एक मरतबा नाका रोक दिया गया, इमाम ने पर्दा फिर हटाया, फिर कलम चले, फिर एक मरतबा कलम संभले कि अब कुछ बोला जाएगा। हजरत ने फरमाया, वलाकिन बिशुरूतिहा, मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह का किला आजाब से महफूज रखेगा चंद शरायत के साथ। वा अना मिन शुरूतिहा, और उन शर्तों में से एक मैं शर्त। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई मैं आपसे और थोड़ा सा हमराही चाहूंगा, इसी लबो लहजे की एक और हदीस भी है। सरकार ने फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, अल्लाह ने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी, जो इस मेरे किले में दाखिल हो गया, अमिना मिन अज़ाबी, वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। अभी सरकार का यह जुमला मुकम्मल हुआ था, इरशाद मुकम्मल हुआ था, कुछ ही लम्हे के बाद फरमाया, सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हुआ वो मेरे अजाब से महफूज हो गया। सला समर्रात, नबी ने तीन मरतबा यही कलमात दोहराए। लोग मुतवज्जे हो रहे हैं कि सरकार इसे बार बार तकरार क्यों फरमा रहे हैं। फिर फरमाया, सुनो, अब शिद्दत बढ़ रही है, समाअत में शिद्दत बढ़ रही है। फरमाया, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, अल्लाह ने कहा है अली की विलायत मेरा किला है। वमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी, और जो मेरे इस किले में दाखिल हो गया वो भी मेरे अजाब से बच गया।
या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा किला है या विलायत अली तेरा किला है? यही तो समझाना चाह रहा है अल्लाह के, अल्लाह की वहदानियत उस वक्त में तस्लीम होगी जब अली की विलायत को मानोगे, वरना माजी की तरह यह अकीदा जुबू हाली का शिकार हो जाएगा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब आप देखिएगा, अब आप देखिएगा और आप महसूस कीजिए कि इस अकीदे के तहफ्फुज के लिए सबसे ज्यादा किसने कोशिशें की, कुर्बानियां दी, जाने दी, नजराने दिए? अली। सिर्फ एक मिसाल दूंगा, क्या मौला अली को इस बात का एहसास नहीं था कि ये सारे मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मेरी नस्लों को काटेंगे मारेंगे? बद्र में मेरे मौला ने 8 बड़े सरदारों को मारा जो यजीद के कोई ताया था, कोई मामू था, कोई दादा था, कोई नाना था। जी 2 तो मामू मारे मेरे मौला ने, चाचा मारे, और वही तो बुजुर्ग थे जिनकी वजह से वो कह रहा था लैताश याखि बिबद्रिन, जब असीर बना के लाया गया बीबियों को, इमाम सज्जाद को जब हाथों में हथकड़ियां बेड़ियां डालकर असीर बना के जब शाम के दरबार में खड़ा किया गया तो उसने क्या कहा था? उसने यही तो कहा था, काश मेरे आज बद्र के बुजुर्ग होते और वो देखते कि मैंने उनका बदला ले लिया। क्या ये मौला अली को नहीं मालूम था कि मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरी औलाद के साथ क्या होगा? पता था इमाम, दुश्मनी मोल ले ली, और ऐसी दुश्मनी नस्लों की दुश्मनी, आज तक हो रहा है इसका नतीजा, आज तक औलाद अली के साथ यही कुछ हो रहा है। आप देखिए इन मुत्तहदा अरब अमारात से किस नाम पर, किस बुनियाद पर निकाला जा रहा है वहां के नौकरी करने वालों को, वहां काम करने वालों को। वो चीखते चिल्लाते दरखास्तें देते हैं, भाई मेरा नाम अली हैदर है मगर मैं तो सुन्नी हूं। कहते हैं नाम ही क्यों है तुम्हारा अली हैदर? ये 85 मिसालें हो चुकी हैं, बल्कि सैकड़ों मिसालें हो चुकी हैं जिनके नाम कोई मुमकिन है कहता हो या कहे कि ये अली नाम रखने पे पाबंदी थी, हुसैन नाम पे रखने पे पाबंदी थी, ये शिया हजरात ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, ऐसे क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? ये आप देख लीजिए अभी हो रहा है। आज तक औलाद अली के साथ, आज तक आले रसूल के नाम लेवाओं के साथ ज्यादतियां, इतनी पक्की दुश्मनी मोल ले ली अली ने। अली और औलाद अली की कुर्बानियां हैं कि 1400 साल के बाद फिर अल्लाह की वहदानियत पे बात हो रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज ये रंग नहीं होता। मैं उलमा अहले सुन्नत को, दानिश्वराना ने अहले सुन्नत को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि अगर आज आप अल्लाह की बात कर रहे हैं तो ममनून एहसान रही है अली और औलाद अली का, और यही सबब था कि नबी से कहलवाया कि तुम कह दो कि वो अल्लाह अहद है, तुम कह दो कि वो अल्लाह अहद है। तो जब अल्लाह की वहदानियत इनके मुंह से सुनेंगे और अली की विलायत इनके मुंह से सुनेंगे तो फिर उन्हें यकीन होगा कि जिसने अली कहलवाया है उसी ने अल्लाह कहलवाया है। जो मेरे अंदर है बात अल्लाह करे मुंतकिल की हो मैंने, ताकि एतबार बढ़ जाए इनका कि, और जिस अली और औलाद अली और हसनैन और पंजतन की शान में नबी ने इतना कुछ फरमाया हो और फिर उनके साथ ये जुल्म हुआ हो। इमाम सज्जाद का जुमला सुन लीजिए, हजरत फरमाते हैं जो कुछ नबी ने हमारे बारे में कहा, जो कुछ हम अहले बैत की शान में नबी ने कहा, अगर कुछ ना कहा होता
तब भी इससे ज्यादा जुल्म मुमकिन नहीं था जो जुल्म हमारे साथ हुआ है। कुछ देर के लिए तसव्वुर कीजिए, यह भी आपके रोने की आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये उलझन तो अल्हम्दुलिल्लाह बर-ए-सगीर में हल हो गई, ये उलझन तो हल हो गई, आपने रोना बंद नहीं किया किसी के रोब में आके, किसी के धौंस में आकर, किसी के फतवे की जद में आकर। मगर जो लोग रोने को बिदत कहते थे, आज उन्हें बात समझ में आई है कि रोना बिदत पहले भी नहीं था, वो देर से पहुंचे हैं मतलब को समझने में। और अब सभी तकरीबन इस बात पर इत्तफाक कर रहे हैं कि रोना बिदत नहीं है, सुन्नत नबी है, और वो भी हुसैन पे रोना। और इसका फलसफा क्या है? इसका बड़ा फलसफा यह है कि आंखों में आंसू उस वक्त तक आ नहीं सकते जब तक गुबारे दिल परवाज न करे। जब गुबारे दिल परवाज करता है तो ये फिर आंखों में आंसुओं की सूरत में ढलता है और फिर आंसू बनकर आंखों से टपकता है। दिल का आंसुओं से बड़ा गहरा ताल्लुक है, कोई नहीं रो सकता जब तक कि उसके दिल की नरमी ना हो। इसलिए हत्ता इंतजाम किया जाता है कि दिल को नरम करने का इंतजाम करो, कसीउल कल्ब ना रह जाओ, तुम्हारा दिल नरम रहे। और अजीजों, जो कौम रोने की मशक करती हो ना, वो किसी को रुलाती नहीं है। इसलिए कि जिसका दिल ही नरम हो वो किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। लिहाजा पूरी दुनिया में आप मुशाहिदा कर लीजिए, रोने वाले लोग कहीं जाके फटते नहीं हैं, किसी का गला नहीं काटते, किसी के गले पे चाकू नहीं चलाते, इनका अपना एक मिजाज है। मैं कहता हूं खुद रोना 85 अखलाकियात की बुनियाद है। आज 6 मुहर्रम में ये गिरिया 85 अखलाकियात की असास है। 10 काम खुद ही ठीक हो जाएंगे, रोने वाले हो जाओ बस, तुम्हारे मिजाज तब्दील हो जाएंगे, तुम्हारे आदात अतवार तब्दील हो जाएंगे, तुम्हारा जिंदगी का दस्तूर ही बदल जाएगा, तुम रोने वाले हो। एक साहब मुझे मजलिस के बाद करने लगे, मौलाना आप कुछ कह रहे थे रोने के बारे में, हमें रोने के लिए पैदा किया है। हाँ, हमें रोने के लिए पैदा किया है। जिस जाविये से मैं देख रहा हूं उस जाविये से ऐनक लगा के देखो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि नमाज पढ़ना माफ, रोजा रखना माफ, ये कौन कह रहा था? नमाज में भी जो खुजू खुशू ईजाद होगा उसका बड़ा गहरा ताल्लुक आंसुओं से है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जब आप ऊंची आवाज में रो रहे होते हैं ना, तो आइम अहले बैत को वो आंखें बड़ी अजीज हैं जो हुसैन पे रो रही हूं। फरमाया एक हुसैन पे रोते हुए अजादार को देखकर मेरे मौला इमाम रजा ने, इमाम रजा का एक फरमान, एक अजादार हुसैन पे रो रहा था और जब उसने गिरिया किया तो इमाम ने फरमाया तुम आज इतनी मुद्दत बाद मेरे मौला हुसैन पे रो रहे हो, जब हुसैन के गले पे चाकू चल रहा था, जब हुसैन के गले पे छुरी चल रही थी तो आसमान रो रहा था, जमीन रो रही थी, बकत इस समा वल अर्ज, हुसैन पर आसमानों और जमीनों ने गिरिया किया है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, रोने रुलाने वालों में करार दे। और अजीजो, जिस घर से रोने की आवाजें बुलंद होती है ना, रिवायत कहती है 6 इमाम का दौर है, एक घर में इमाम हुसैन की मजलिस हो रही है, घर में बैठने को जगह नहीं बची थी तो इमाम दरवाजे पे रुके रहे। जब अहले साहिब खाना को मालूम हुआ कि इमाम दरवाजे पर है तो उसने अंदर आने का कहा तो इमाम ने फरमाया मैं चाहता हूं ये गिरिए की आवाजें ऐसे ही बुलंद रहे, मेरे अंदर जाने से, मेरे वहां बैठने से कुछ देर का खलल भी ना हो जाए। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए।
ये आंसू जो आपकी आंखों में है ये आरजू है जनाबे जहरा है। मेरे मौला रेजा ने इब्ने शबीब से कहा, मौला का साहबी है, फरमाया इब्ने शबीब जब गमे दुनिया तुम्हें घेर ले, परेशानियां तुम्हारे गिर्द हल्का बना ले, तुम्हारा दिल छोटा होने लगे, तुम्हें दिल घबराने लगे और दिल करे कि तुम्हें आंखों में आंसू आए, रोने को दिल करे, तो खबरदार गमे दुनिया में ना रोना, जब परेशानियां बढ़ जाए तो मेरे जद हुसैन की मजलिस कर, मेरे जद हुसैन की मजलिस कर लेना, उसमें हुसैन के मसाइब सुन के रो लेना, तुम्हें दुनिया का गम भी खत्म हो जाएगा। अजरुकम अल्लाह। हाँ आज़ादारों, कुछ देर के बाद एक ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे, मगर ये वबा के पेश नज़र एहतमाम ये किया गया है कि ताबूत को वहाँ रख दिया जाएगा और आप आराम आराम से एक एक करके जाकर ज़ियारत कर लेंगे। ये किसका ताबूत आज उठाने जा रहे हैं आप? रोना तो इसी का है और ताबूत इसीलिए तो उठाया जाता है। क्यों हम आशूर के दिन हुसैन का ताबूत उठाते हैं? करबला में ये ताबूत उठाए नहीं गए, लाशों को छोड़कर चले गए। 3 दिन बेगोरो कफन लाशा रहा हुसैन का। यूं तो अजीजों करबला के मैदान में अजरुकमल अल्लाह तसल्ली करके रोएंगे, मुझे भी जल्दी नहीं है, अल्लाह आपको कोई गम ना आता करे। यूं तो करबला के मैदान में शहादतों पर, हर शहादत पर सीना हमारा फटने लगता है, आंखों में आंसू आने लगते हैं। हजरत कासिम का बयान शहादत हो, हजरत ओनो मोहम्मद के लाशों का बयान हो जी, हजरत अल्लाहु अकबर हजरत अली असगर कर शहादत का बयान तो पत्थर दिल इंसान को भी रुला देता है जी। हजरत अब्बास का बयान शहादत, मगर एक ऐसी शहादत है कि जिस पर हुसैन ने अल्लाहु अकबर कई मर्तबा जमीन पर गिरे और कई मर्तबा जमीन से उठे और एक आवाज दे देकर कह रहे थे, अली मुझे पुकारो, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अजरुकम अल्लाह। हर बाप को अपनी औलाद से प्यार होता है और जितना इंसान होने में बाप बड़ा होगा इतना ही उसकी शफकत भी ज्यादा होगी। जब नबी की रहलत हो गई तो इमाम हुसैन नबी के फुकदान में गिरिया किया करते थे, तो नबी ने बशारत दी थी कि अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता करेगा जिसकी शक्ल मेरी शक्ल की तरह होगी। तो इमाम हुसैन को अल्लाह ने अली अकबर अता किया, हत्ता इतने मुशाबे थे नबी मुकर्रम से कि असहाबे रिसालत माब दरवाजे पर अक्सर आया करते थे और इमाम से कहते थे अली अकबर दिखा दो, क्योंकि जब हम अली अकबर का चेहरा देखते हैं तो हमें नबी का चेहरा नजर आता है। हत्ता नबी मेरे मौला हजरत अली अकबर की जो चाल थी, जो चलने का अंदाज था, वो भी नबी से मुशाबे था। जब मुस्कुराते थे तो आपके मुस्कुराने पर जो चेहरा अनवर का रंग बनता था वो नबी जैसा था। इमाम हुसैन मस्जिद में नमाज और इबादत में मसरूफ हैं, जाहिरन 3-3.5 साल का सिन है हजरत अली अकबर का, बाबा के बराबर में आके बैठ गए, कहा बाबा मुझे अंगूर चाहिए। आयतुल्ला रसूली महलाती जिंदगानी इमाम हुसैन में लिखते हैं कि वो अंगूरों का मौसम नहीं था। अली अकबर ने बाबा से अंगूर मांगे, वो अंगूरों का मौसम नहीं था। इमाम ने सुतून मस्जिद पर हाथ मारा, मस्जिद के सुतून पर हाथ मारा तो सुतून में से अंगूरों का खोशा निकला। इमाम ने वो खोशा अंगूरों का हजरत अली अकबर को दिया, कहा अली अकबर तुम बाबा से कुछ मांगो। अजरुकमल अल्लाह और तुम्हारा बाबा तुम्हें न दे। आयतुल्ला रसूली महलाती लिखते हैं कि जो बचपन में अली अकबर की आरजू पूरी कर रहा हो और मौजजे से अंगूर दे रहा हो, जब करबला के मैदान में अली अकबर ने पानी मांगा था
اجر و کمل اللہ. کیا گزری ہوگی حسین ابن علی کے قلب مبارک پر. ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں, مگر حضرت علی اکبر کی شہادت کے چند امتیاز انفرادیت کے حامل ہیں. سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے, حضرت علی اکبر نے جب آ کر کہا نا بابا مجھے شہادت کے لیے, مجھے قربانی کے لیے اجازت دے دیجئے, تو واحد مجاہد واحد شہید ہیں جنہیں امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے اجازت لو, جاؤ خیمے میں بی بیوں سے جا کے اجازت لو. علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ سے جا کے اجازت لو, اور دیکھو میرے لال اپنی پھوپھی زینب سے ضرور پوچھ کے آؤ. حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان جو مخیم ہیں, جو بیویوں کے خیمے تھے, وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا. ہر خیمے سے بیوی نے علی اکبر کو جواب دے دیا, مگر جیسے ہی حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا تو سنیں گے چیخنے کی آوازیں بلند ہوئیں. وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا حاضر سلام سلام الاخر, یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے. بس یہ جملہ سننا تھا, بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور ہر خیمے سے ایک ایک بیوی چند بیویاں آئیں اور علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے کر چلی گئی. اجر و کمل اللہ, تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا, مجھے ابھی چند منزل مصائب میں لینی ہے. بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئی اور علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں, خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور پھر پردہ گر جاتا ہے, پھر بیوی اندر لے جاتی ہیں. راوی کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کوئی بازو پکڑے کھڑا ہے, کوئی علی اکبر کی گردن میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے. علامہ ذیشان الدرجوادی نے لکھا ہے کہ ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. علامہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی اور آوازیں دیتی تھی ارحم غربتنا, بھیا بابا کو غریب نہ کرو, تمہارے جانے سے بابا غریب ہو جائیں گے. ایسے نکلے خیمے سے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو, آ کے کھڑے ہوئے اپنے بابا کے قریب, بابا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سجایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا, یہ دوسرا امتیاز ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, یا اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں, میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. عزادارو علی اکبر روانہ ہوئے, سنیں گے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جناب علی اکبر نے جمڑ کر دیکھا, بوڑھا باپ پیچھے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے. امام حسین کی آواز آ رہی ہے, محلن محلا, اے میرے لال آہستہ. فوراً ادباً فوراً اتر آئے گھوڑے سے, بابا کے قریب جا کر کہا, بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, کہا ایک مرتبہ اور پیار کر لینے دو, ایک مرتبہ اور گلے لگانے دو. علی اکبر کو گلے لگا کر حسین بہت روئے اور اب روانہ کیا علی اکبر کو میدان کربلا کے لیے, اور ایک بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے مولا کو کچھ نظر آیا تو اس ٹیلے سے اتر کر آئے اور کہا, اے فضا ام لیلہ سے جا کے کہو کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بہت سنی جاتی ہے. مجلس میں جو مائیں بیٹھی ہیں اللہ ان کے جوانوں کو سلامتی عطا فرمائے, اے ام لیلہ علی اکبر کا ایک بہت بڑے پہلوان سے مقابلہ ہے اور پہلوانوں کا ایک 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 نرغا ہے, ایک لشکر ہے جو علی اکبر کو مارنے بڑھا ہے, تم دعا کرو ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو. عزادارو بہت گریا ہو گیا, بس یہ روایت سن لیجئے, تم دعا کرو ایک مرتبہ اور اپنے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لوں. آیت اللہ جعفر جوستری صاحب رحمت, بڑے بڑے بزرگوں نے یہ روایت لکھی کہ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں, سر پہ قرآن رکھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئیں مصلی عبادت پر, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے
एक मरतबा और मेरा अली अकबर दिखा दे। इधर इधर हजरत उम्मे लैला की दुआ मुकम्मल ना हुई थी कि अली अकबर के तकबीर की आवाज बुलंद हुई। जनाब उम्मे लैला दरे खैमा पर पहुंची, क्या देखा, अली अकबर अपने बाबा हुसैन से बात कर रहे हैं, सही और सालिम वापस लौट कर आ गए। मगर सुनेंगे ज़ादारो बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाए तो मैं बताऊं कि मैं किसका पोता हूं, मैं बताऊं कि मेरी तरबियत किस अब्बास ने की है। शायर ने इस मंजर को चार मिसरों में नज्म किया है। शायर कहता है, शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, जो रोने आए हैं चार मिसरे सुन लीजिए, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। शिद्दत प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और मां ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा, कितनी मजबूर थी साकिये कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साकिये कौसर की बहू, खाली मशकीजा कई बार उलट कर देखा, शायद चंद खतरे पानी के निकल आए। अली अकबर जाओ तुम्हारे नाना तुम्हें सहरा, मातम हुसैन।